बिजली का कनेक्शन होते हुए भी जे ने लिख दिया बिजली चोरी का मुकदमा। नवाबगंज, नवाबगंज तहसील के ग्राम फाजिलपुर में बिजली विभाग ने गरीबों पर लंबे जुर्माने के मुकदमे लगाए। पीड़ित लोगों ने पैनी नजर के सामाजिक संस्था के संपर्क किया, तब संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार फाजिलपुर पहुंचकर पूरे मामले की गहराई से जांच की। मामला यह था कि गांव में बिजली के तार आंधी में टूट जाने से लोगों ने संबंधित जे को कुछ नए लाइनमैन को फोन कर सूचना दी। सूचना देने के उपरांत जब कोई बिजली ठीक करने नहीं आया तो गर्मी से परेशान होकर लोगों ने कटिया डालकर बिजली जला ली। उसके पश्चात किसी ने मुखबिर करके गांव के बिजली विभाग को दस्ता भेज दिया। रात 3 बजे गांव में पहुंचकर लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। इसकी पूरी जानकारी करने के पश्चात संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा कि बिजली विभाग के इस तरह पैसे उगाही करने का खेल खेला जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने यह भी बताया कि कई लोगों से वहीं पर पैसे लेकर संबंधित जे ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लंबा जुर्माना उनके ऊपर ठोका गया। वह लोग जुर्माना देने में अक्षम हैं। उनसे भी पैसे की मांग की गई। तब लोग संस्था के पास आए और संस्था अध्यक्ष ने कहा कल वह क्षेत्र अधिकारी से मिलकर इस संबंध में प्रार्थना पत्र सौंपेंगे। नवाबगंज बरेली मजहर अली की रिपोर्ट। कमरुद्दीन, कमरुद्दीन जी, ये अपना गांव कौन सा है? फाजिलपुर। हाँ, क्या है मामला? सर, वो बिजली घर बार में केबल कट गई थी मेरी। अच्छा। तो BDCR राकेश, उनसे बोला था मैंने, भैया केबल कट गई मेरी, जोड़ दो। रुका रहा है, परसों मैं जोड़ दूंगा। जब तक आंधी आ गई वो कट गई, और रात में जय साहब आए थे, 8-10 लोग आए थे, 4 बजे के टाइम पर रात में, वो फोटो वोटो खींच के ले गए थे। उनने ये वीडियो बना दी, मेरा छोटा घर, उसमें सबकी लिखी दी। मेरे घर में कुछ भी नहीं है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, ना जमीन है और मजदूर आदमी। आपका कनेक्शन था? हाँ, कनेक्शन है सब। रसीद कहाँ है? रसीद भी है जैसे मेरे पास, सब कुछ है सर। फिर भी आपका, हाँ, मुझसे कह रहा 30,000 रुपये दो और काट दूंगा आपका। जी जी, हाँ, मुकदमा लिख दिया आपने? हाँ, मुकदमा लिख दिया। मैं नहीं गया एक दिन तो मेरे पास मुकदमा लिख दिया। आपके साथ क्या हुआ था भैया? क्या नाम है आपका? जी इकरार अहमद। इकरार अहमद जी, आप बताएं, बताइए क्या हुआ? हमारे घर पर भी ऐसे जैसे यहाँ भी आए, हमने तार कर दिया था, और मैंने जैसे तार कर दिया तो बोले 2-3 दिन लगे थे, तो हमने भी चोरी डाल दी थी, एक खड़िया डाल दी थी, उसी रात में पैसे मिल गए, तो हमारा नाम चला गया मुकदमा दायर करके, और 68,000 रुपये। आपका मीटर लगा हुआ है? कनेक्शन है आपका? आप किसके नाम में? इकरार अहमद। ठीक जी भैया, क्या नाम है आपका? शकील नाम है। शकील नाम है, बताएं। सर जी, मेरा बाहर कनेक्शन से बल्ब जल रहा है खपड़ैल में। ठीक है सर जी, सुबह 3 बजे से उनने रेट डाल दी। मैं सुबह आके गिट रहा था बैठे बैठे पैथरियों पे, उनने मेरी ना सुनी ना कुछ, और वीडियो बनाने से उन्हें मतलब। अभी मेरी सर डबल कड़िया से उन्हें लिख दी 1/2 किलो वाट की मोटर। बाहर मेरा नल खराब है, मेरी वैसी बग्गर जगह पर हुई मोटर नहीं है उसमें लगी। नहीं नहीं, मोटर नहीं है, मोटर जो भी चल रही है मेरी भीतर चल रही है। आपका कनेक्शन है आपका? हाँ जी सर, कनेक्शन। किस नाम से? खातून बेगम। खातून बेगम के नाम से कनेक्शन है, और फिर भी आपका मुकदमा लिखा है आपके ऊपर बिजली चोरी का। ठीक, किसानों को इस तरह सताया जा रहा है, कभी आवारा पशुओं के नाम पर, कभी बिजली कनेक्शन के नाम पर, ये क्या मामला है जरा बताएं। ये हमारे सरकारी तंत्र में बहुत बड़ी कमी आ गई है कि उसे किसी भी तरह से मिले, उन्हें पैसा मिले। इन गरीबों का उत्पीड़न, ये नवाबगंज गांव, नवाबगंज तहसील के फाजिलपुर गांव के लोग इतना प्रताड़ित हुए हैं, इतना इनका शोषण हुआ है कि इन गरीबों पर, जो कि 300 रुपये की दहाड़ी काम करते हैं, लाखों रुपए के बिल इन पर बकाया निकाली गई है, और फिर रात में रात छापा मारकर इन लोगों को ऐसे पकड़ा गया जैसे ये बहुत बड़ा कोई अपराध कर रहे थे। हाँ ठीक है, अगर आपने शिकायत की, जवानी शिकायत की, और आप संभालने के लिए विभाग से नहीं आए लोग, तो उन्होंने गर्मी को देखते हुए अगर कहीं तार जोड़ भी लिया था तो इतना बड़ा गुनाह नहीं, जबकि सबके कनेक्शन उनके करे हुए हैं। तो बात ये आती है कि ये विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की मिली भगत से, और हमें तो ऐसा लगता है कि ये एक तरह से उत्पीड़न है, शोषण है, और सरकार को फेल करने के लिए हो सकता है कि इन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने ये अपने दिल में सोच रखा हो कि सरकार के विरुद्ध ऐसे कार्य करो ताकि सरकार ये फेल हो जाए। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ के लोगों को परेशानी हो, फिर भी ये अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी हैं वो प्रताड़ित करते हैं और उनका शोषण करते रहते हैं। क्या मैसेज देंगे सरकार को? हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करे ताकि दोबारा इन गरीबों का शोषण ना हो सके, किसी भी गांव में कहीं पर भी इस तरह से लोग प्रताड़ित ना हो, ताकि गरीब आदमी चीख जाए और त्राहिमाम मच जाए।
तथ्य है, जब ये लोगों के ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा लगा तब इन्होंने आकर संस्था को बताया है, तो मैंने आकर यहाँ पर सारी चीज़ों का मुआयना किया है कि इनके कनेक्शन हैं या नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बिजली विभाग 3 बजे रात को उठकर यहाँ पर लोगों के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए, बिजली काटने के लिए तो आ सकते हैं, क्या कभी सुना है कि 3 बजे रात को बिजली विभाग ने आकर यहाँ की लाइटें ठीक की हो और जलवाई हो, ये पूछना चाहती हूँ। तो इस तरह बिजली विभाग मनमाने ढंग से इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इस तरह से उत्पीड़न क्यों कर रहा है? मैम किसी अधिकारी से बात हुई थी बिजली के आपकी? हाँ, मेरी यहाँ पर क्षेत्र अधिकारी SDO साहब से बात हुई नवाबगंज के, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, जो भी है जेई साहब से बात करिए। और जेई साहब इतने तानाशाह हैं कि वो तो बात ही नहीं करना चाहते, यानी कि एक क्षेत्राधिकारी को कुछ नहीं पता है कि उनके जेई क्या काम कर रहे हैं। क्षेत्राधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मैंने उनसे कहा ये मुकदमे किस आधार पे आपने काटे हैं, ये मुकदमा इनके ऊपर क्यों दर्ज किया? अगर बिजली विभाग में बिजली में कोई फॉल्ट होती है तो ये कौन ठीक करेगा? फॉल्ट तो आपने ठीक नहीं करी, अगर लोगों ने गर्मी की वजह से आपका इंतजार करके उन्होंने जला लिया लाइट को, तो ये उनका बहुत बड़ा गुनाह बन गया। और बिजली विभाग की इतनी सारी कमियां हैं, इससे पहले अभी जो जागीर गांव में नवाबगंज क्षेत्र के ही, उसमें कम से कम 20 सीमेंटेड पोल टूटे पड़े हैं जो कि अभी ताजे लगाए गए थे, और रोडों पर वहां पर केबल फैली हुई है, ये बिजली विभाग को नहीं दिखाई देता। और वहीं पर 10 वर्षीय इसी तरह से बिजली के तार टूटने की वजह से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके लिए भी वहां पर पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी कि वहां पर बिजली टूट गई है, आंधी में तार टूट गए थे। उसके बावजूद तो बिजली विभाग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन गरीब लोगों ने, मजदूर लोगों ने अपनी बिजली जला ली, वो भी मीटर से आ रही थी, कनेक्शन लगे हुए हैं, लीगल तरीके से लगे हुए हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर इतना आर्थिक दंड डाला गया। और लोगों से ये भी कह रहे हैं कि कुछ पैसे दे जाओ तो ठीक तुम्हारा सही कर दूंगा। इसकी शिकायत पैसे की उगाही शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे? हाँ, इसकी शिकायत में हम संस्था जो है SDO साहब को या क्षेत्र अधिकारी को लिखित पत्र सौंपेगी और ये मुकदमा वापस करने की मांग करेगी। अभी यहाँ पर ग्रामीण लोगों ने बताया है कि एक ऑडियो क्लिप्स भी उनके पास है जिसमें पैसे के लेन देन की बात चल रही थी, रिश्वत लेने की बात चल रही थी कि इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा सही करा देंगे।